जी, तो हमने ये देख लिया कि किस तरीके से एक फार्मेसी का वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हमने के फार्मेसी टाइप के वीडियो है उसको बनाने का उसका थंब कैसे बनाएंगे फोटोशॉप से, ये हमने पूरा देखा। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इस वीडियो को हम YouTube में रैंकिंग में लेकर आएंगे। जैसे हमारा जो कीवर्ड है वो ये है, मैक फार्मेसी वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप, ये हमारा कीवर्ड है। यहाँ पे अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो भी आपको यहाँ पे दिखेगा जो इसकी सबसे ज्यादा है, आपको यहाँ पे 1.0585 सेकंड के अंदर अंदर जो लगभग यहाँ पे 15 करोड़ के आसपास जो इसका रिजल्ट है। अब इन सारे रिजल्ट में हमें अपनी जो ऐप है उसको हमें टॉप पे लेके आना है, या अपनी जो वीडियोस है उसको हमें टॉप पे लेके आना है। तो कैसे ले आएंगे यही चीज देखेंगे, विद इन 30 मिनट्स के अंदर अंदर हम ये काम करेंगे। अगर आप यही चीज यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगा जो अभी हम डालने वाले हैं, ये चीज हमने भी तैयार किया हुआ, तो हम विद इन 30 मिनट्स के अंदर अंदर लेके आएंगे। आपने जान लिया कि इस लंबे लॉकडाउन के बाद किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन लाना कितना इम्पोर्टेंट है। ई कॉमर्स हो, चाहे किराना का हो, या ग्रोसरी स्टोर का हो, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग का हो, ऑनलाइन क्लॉथिंग का हो, सिंगल वेंडर हो, मल्टी वेंडर हो, किसी भी टाइप में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और उसको अगर आप ऑनलाइन नहीं लाए हैं या ऑनलाइन आपने किया नहीं है, अगर आपकी सोच है कि आप बिजनेस को ऑनलाइन लेके आए, तो इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि आपको यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है, चाहे आप वेबसाइट बनाना चाहें, चाहे आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहें, चाहे आपको ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बनाना हो या सर्विसेज का प्लेटफॉर्म बनाना हो। सिर्फ यही नहीं, बिजनेस को सेटअप करने के बाद, ऑनलाइन लाने के बाद उसका प्रमोशन करना, इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सारी चीजें ए टू जेड अवेलेबल है। ठीक, अब बिजनेस सेटअप करने से लेकर प्रमोशन करने तक फिर देर किस बात की, आज ही बुक कीजिए और पहले आइए, पहले पाइए का हिस्सा बनिए। वीडियो पब्लिश करने के बाद, वीडियो का हमने के अपलोड कर दिया था, अब अपलोड करने के बाद ये जो काम होगा ये एसईओ का काम होगा, वीडियो एसईओ, वीडियो प्रमोशन, बी टू बी प्रमोशन, या फिर बी प्लस अदर प्रमोशन, इस तरह से हम इसमें काम करेंगे। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है वो कीवर्ड चूज करना। कीवर्ड चूज करने के बाद कीवर्ड्स के जो सिमिलर वर्ड है वो सिमिलर वर्ड का फाइंड करना, जैसे यहाँ पे लिखा है फार्मेसी वेबसाइट डेवलपमेंट, आपको इस टाइप की जो कीवर्ड्स है ये कीवर्ड्स आप ले सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे ले लिया और ये चीज सेम आप यूज करेंगे अपने टैग में भी। तो मैं टैग में भी एक नोटपैड बना लेता हूँ और कीवर्ड्स अपना डाल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ये कीवर्ड्स ले लिया, उसके बाद ये कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स ले लिया, और हर कीवर्ड्स के बाद कोमा देना जरूरी है। इसके बाद ये कीवर्ड्स है, तो ये एक तरीका है जो आप मैन्युअली कर सकते हैं, लेकिन कुछ तरीके ऐसे भी हैं जो आप ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा अभी। अभी जैसे मैंने ये यूट्यूब सर्च किया तो यूट्यूब के अंदर हमें कुछ अच्छे अच्छे कीवर्ड्स यहाँ पे देखने को आ रहा है कि ये क्या है, हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन फार्मेसी। ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, हाउ टू वाले, इस तरह के कीवर्ड्स लोग बहुत सर्च करते हैं, तो इस तरह के कीवर्ड्स से भी आप रैंकिंग कर सकते हैं, इस तरह की वर्ड्स आप ले सकते हैं बिल्कुल इजीली, कोई इशू नहीं है। तो ये आ गया, फिर इसके बाद का यहाँ पे हम देखते हैं जो जो अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। इसका यहाँ पे आगे ई कॉमर्स वेबसाइट एंड एडमिन पैनल विद मोबाइल एप्लीकेशन, तो कभी लेना है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम नीचे, यहाँ पे देखते हैं मेडिसिन डिलीवरी डेवलपमेंट, ये मेडिसिन डिलीवरी का है। हाँ, इसके अंदर का हमने जो कभी बनाया हुआ है इसके अंदर डिलीवरी एप्लीकेशन वगैरह भी है और साथ साथ इसके अंदर वीडियो भी है। सर यहाँ पे हमें ज्यादा चीज इसमें नहीं मिला, अगर हमें यही चीज अगर फाइंड करना हो बिल्कुल इजीली, आपके पास टाइम कम है बट काम ज्यादा है, तो क्या करना है, बस जस्ट अपना मेन कीवर्ड्स को जो है कॉपी करें, और मेन कीवर्ड्स को कॉपी करने के बाद आप गूगल पे जाए, इसमें लिखे रैपिड टैग। ठीक है, रैपिड टैग जनरेटर, ये बहुत अच्छी जबरदस्त वेबसाइट है कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे आप जस्ट क्लिक कीजिए, आपको कीवर्ड्स आपके यहाँ पे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो आप मिल जाया करेगा। सेम एज इट इज, यही चीज अगर यही चीज आप देखें यहाँ पे लिखा गया वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, फार्मेसी डेवलपमेंट, इनमें से जो जो चीज आपको अच्छा नहीं लग रहा आप उसे
हटा सकते हैं। एट हाउ टू मैक वेबसाइट, यहाँ पे फार्मेसी लिखा हुआ, ये फार्मेसी सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन फार्मेसी, ये डेवलपमेंट, जो आपके मेन कीवर्ड्स हैं सिर्फ उसी को फोकस करें, किसी अदर चीजों को शामिल ना करें तो ज्यादा बेटर है। इसका लिए यहाँ पे वेबसाइट फार्मेसी एसईओ, वेबसाइट ई-कॉमर्स फार्मेसी, ठीक है, एचटीएमएल वेबसाइट देनी चाहिए, ई-कॉमर्स वेबसाइट देनी चाहिए, ये आपको कुछ कीवर्ड्स मिल गए। ये कीवर्ड्स भी आप नोट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट वेबसाइट में डाल सकते हैं, डायरेक्ट वीडियो में डाल सकते हैं। ये वीडियो का यहाँ पे आपका जो टैग है, ये टैग मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, बहुत सारे टैग मैंने डाल रखा है, तो इसमें से कुछ टैग मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिकली टैग है और जो आपको डालना है तो वो मैन्युअली डालते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके चैनल्स में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप, या ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपका काम उसी चीज पे होता है मुसलसल, तो आप ये ऑटोमेटिकली भी सेव करके रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। इस तरीके से मैंने ये कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे डाल दिए। इसके अलावा यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट आ जाता है बाय डिफॉल्ट, तो आप इसको भी ले सकते हैं। या इसके अलावा एक और ऑप्शन है फार्मेसी और डेवलपमेंट इस तरह का, तो जो आपका और दूसरे ऑप्शन है वो ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। ये मेरा मेन कीवर्ड था। दूसरा क्या है, कीवर्ड टूल्स के नाम से, कीवर्ड टूल्स के नाम से ये है, ये वेबसाइट है keywordtool.io। इसके अंदर बेनिफिट ये है कि अगर आप YouTube में सर्च करते हैं तो क्या मिलेगा, प्ले स्टोर में सर्च करते हैं तो किस तरह कीवर्ड्स मिलेगा, अगर आप किसी पार्टिकुलर लोकेशन को टारगेट करना चाह रहे हैं, यानी इंडिया या क्या नाम है एक आयरलैंड या कहीं भी किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे टारगेट करना चाह रहे हैं, यानी आपका मेन टारगेटेड कंट्री जो किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे है, तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसे ग्लोबली करना चाहते हैं तो ग्लोबली भी कर सकते हैं, यानी आप पूरे वर्ल्ड वाइड आप इसको इस तरह से रैंकिंग मिला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्लोबली चूज करता हूँ, लेकिन अगर आपको टारगेटेड कीवर्ड्स हैं या टारगेटेड कोई एरियाज हैं तो आप टारगेटेड एरियाज में आप इसको फोकस कर सकते हैं। इसके अंदर इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ट्विटर में, किसी भी टाइप से अगर आप प्रोडक्ट्स को या फिर अपने पोस्ट को अगर रैंकिंग में लाना चाहते हैं तो आप ये रैंकिंग में लाने का यहाँ पे बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है। आपको यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग आपको कीवर्ड्स मिल जाया करेंगे। इंस्टाग्राम में कीवर्ड्स किस तरह सर्च किए जाते हैं, अमेजोन में कीवर्ड्स किस तरह सर्च किए जाते हैं, फेसबुक में कीवर्ड्स सर्च किए जाते हैं। कीवर्ड्स का मेथड जो फंडा है, ये बहुत जबरदस्त फंडा है और इसी पे सारा खेल होता है। यहाँ पे आया क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो नंबरिंग डाल रखा है इसलिए शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल फ्रेश डालें ताकि जो आम लोग समझ पाए, 5 साल का बच्चा अच्छे से समझ जाए, इस टाइप की चीजें डालें तो ज्यादा बेटर है। गूगल जो छोटा सा बच्चा है उनको समझाना पड़ता है हमें, तो मेन कीवर्ड डालें, उससे रिलेटेड जो भी चीज है ना वो आ जाया करेगा। हाँ, कभी कभी इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने मेन कीवर्ड डाला मेक फार्मेसी वेबसाइट, इस तरह से यहाँ पे 2 चीज यहाँ पे मिल गया। तो सेम यही चीज है, अगर आपको और भी लेना हो तो आप और भी ले सकते हैं, तो खैर वो आपकी इच्छा है, जो भी लेना ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको आप कॉपी कर लीजिए, तो यहाँ पे एक्सेसिव में भी कर सकते हैं या कॉपी भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर कोई नीच पे काम करना हो आपको, नीच इट मींस टॉपिक, अगर आपको किसी वेबसाइट पे काम करनी हो या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोई काम करनी हो, तो हम उस टॉपिक को नीच बोलते हैं और उसी हिसाब से वो काम भी करता है। तो आप नीच का किसी भी तरह का नीच अगर जानना चाह रहे हैं तो इसके लिए बेटर ऑप्शन ये होता है कि आप यहाँ पे बस एक वर्ड डालें और एक वर्ड डाल के अपना जो कीवर्ड्स टूल प्लानर है वहां से आप सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे सपोज कर लीजिए आप डिपार्टमेंट, अगर आपका फार्मेसी है, आप फार्मेसी को फोकस करना चाह रहे हैं तो बस जस्ट क्लिक कीजिए फार्मेसी, एक नीच हो गया, एक वर्ड हो गया, इस वर्ड पे पूरा सब कुछ पता चल जाएगा, इससे रिलेटेड किस किस हिसाब से सर्च किए जाते हैं यूट्यूब में, गूगल में। देखिए इसमें लिखा है फार्मेसी कोर्स, फार्मेसी स्कूल, फार्मेसी स्टूडेंट, इस तरह का एक नीच में टॉपिक मिल जाता है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो सर्च होते हैं वो सर्च आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि अपना जो कीवर्ड्स हैं उसको रैंकिंग करने में बड़ा जबरदस्त काम आता है। मैं भी इस चीज बताऊंगा आपको किस तरीके से होगा, कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड कर दिए, मैंने यहाँ पे वीडियो डाल दिए और ये हमारा टैक्स भी हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे हमने ले लिया ये फार्मेसी वेबसाइट, फार्मेसी ऑनलाइन, यहाँ पे डाल दिया ऑनलाइन, एक वर्ड हम इसमें और ऐड कर देते हैं ऑनलाइन मेडिकल,
और ये हम ऑनलाइन जो मेडिकल जो मैंने अभी डाला, ये सब चीजें हम अभी करके दिखाएंगे ये किस तरीके से काम करता है या टॉप पे आता है। अब ये फार्मेसी वेबसाइट हो गई है, अब फार्मेसी मेडिसिन ऐप में डाल देता हूँ क्योंकि आपको पता नहीं है कि लोग किस तरीके से लोग सर्च करते हैं नहीं करते हैं, आपको ये अंदाजा नहीं है, तो आप किसी तरह का भी वर्ड अगर डाल देंगे तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि कौन से वर्ड कब काम करेगा, किस हिसाब से काम करेगा। ठीक है, मैंने ये मेडिसिन को मैंने एज ए टैग बना लिया। ठीक है, सेम इसी तरह के आप ऑनलाइन मेडिकल भी है तो इसको भी आप टैग बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक, तो खैर यहाँ पे ज्यादा नहीं ले रहा है, तो ये आ गया। आप ये जो चीज है आपका टाइटल है, टाइटल कम से कम तीन जगह में होना जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन टाइटल, दूसरा आपका डिस्क्रिप्शन में, तीसरा आपका टैग में। जो टाइटल है टाइटल तीनों जगह में होना इम्पोर्टेंट है। तो मैंने पहले ही ये टाइटल को टैग कॉपी करके मैंने डाल दिया था अपने इसमें के वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो टैग से ये रिलेटेड है, तो मैं ये चीजें भी अपने वेबसाइट के अंदर में यहाँ पे डाल देता हूँ एज ए कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग। यहाँ ये जो मैंने डाल रखा है यहाँ, अब ये हाउ टू का जो फॉर्मेट है, ये हाउ टू का फॉर्मेट बहुत काम आता है, तो ये भी चीज मैं यूज कर लेता हूँ। हाउ टू मैक फार्मेसी वेबसाइट में इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो ये लिखा, हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन फार्मेसी, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इस तरह के वर्ड्स बहुत सर्च होते हैं, तो इस तरह का वर्ड्स का भी मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये आ गया, या मेडिसिन वेबसाइट, मेडिकल वर्ड, इस तरह के बहुत सारे जो सर्च होते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते कोई कुछ नए लोग होते हैं जिनके स्टार्ट करना होता है, बट उसे कुछ आइडिया नहीं है, तो ऐसे लोगों को जब सर्च करते हैं हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन, हाउ टू मेक ऑनलाइन वेबसाइट, ऑनलाइन फार्मेसी वेबसाइट, इस तरह का सर्च करते हैं तो सर्च इंजन थ्रू आ जाता है। देखिए इसमें एक वर्ड आ गया, एक कीवर्ड आया जो लोग सर्च करते हैं इस टाइप से। ठीक, तो आप इसको भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था जो मेन पार्टिकुलर जो कीवर्ड्स हैं तो मैंने आपको यूज करा था फार्मेसी, हमारा ये जो मेन टॉपिक था वो टॉपिक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फार्मेसी को हमें फोकस करना था, हमने ये चीज में बताया था फार्मेसी का। ये छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं ना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, तो मैंने यहाँ पे लिया फार्मेसी का ये छोटे छोटे कीवर्ड्स भी अपने जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे यूज कर सकते हैं। तो ये तो रही वो आप चीज है कि SEO का क्या कीवर्ड सर्च करने का या फिर कीवर्ड को जानने का या उसके चीजों को मैनेज करने का, ये कीवर्ड्स इसको भी आप ले सकते हैं एज डिस्क्रिप्शन में। ये मैंने ऑलरेडी मैंने उसमें यूज किया हुआ है, टैग में यूज किया हुआ है, हम इसको भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने कीवर्ड्स ले लिया, ये मैंने डाल दिया। ठीक, इस हिसाब से ये हमारा पूरा काम यहाँ पे कम्प्लीट हो गया। इसके बाद आप जो कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में आप सारी चीजें वो लिख दें जो आप वीडियो के अंदर बोल रहे हैं या बता रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी ये सब चीजें ऑलरेडी डाल रखा है, तो इसमें के मुझे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने चीजें कर रखी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है थंब बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी वेबसाइट को रैंकिंग लाने में, या फिर आपकी वेबसाइट को आपकी वीडियोस को रैंकिंग लाने में, आपकी उसको व्यूज ज्यादा करने में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने थंब यहाँ पे बना लिया था, थंब ऑलरेडी पहले से फोटोशॉप में बना लिया था। हाँ, इस तरह से अगर थंब आप बनाना चाहते हैं, अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता है तो आप बना सकते हैं कैनवा से। canva.com एक बहुत जबरदस्त वेबसाइट है जहाँ पे आप एक साथ मल्टी टाइप का थंब बना सकते हैं, इंस्टाग्राम के लिए अलग, फेसबुक के लिए अलग, ट्विटर के लिए अलग, इस तरह से मल्टी टाइप ऑफ थंब इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये भी कभी अगर मौका लगे तो मैं बताऊंगा जो किस तरीके से आप कैनवा से इजिली हम बनाएंगे। ठीक है, तो खैर आज हम जो बात कर रहे थे वो वीडियो रैंकिंग के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका प्लेलिस्ट है, और प्लेलिस्ट में उसको आप चूज कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे अपना प्लेलिस्ट चूज कर लिया, जो प्लेलिस्ट है मैंने उसको चूज कर लिया। इसका ये चीज, अगर आप इसके साथ कोई वीडियो प्रमोशन करना चाहते हैं, यानी किसी का प्रोडक्ट
एज ए प्रमोशन करना चाहते हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है, तो आप इसका इनेबल करेंगे, वरना नहीं, क्योंकि ये पेड प्रमोशन के लिए ही होता है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको लोकेशन का ऑप्शन आएगा, वो लोकेशन भी आप इनेबल कर सकते हैं, ये वीडियो लोकेशन। तो मैं वीडियो लोकेशन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कैपिटल टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैं इसी से ज्यादातर काम करता हूँ और इसी को मैं रैंक मिलाता हूँ। ये आ गया हमारा कैपिटल टेक्नोलॉजी, ठीक, ये लोकेशन ऐड हो गया। एक चीज इसके अलावा जो मुझे ऐड करनी है वो है आपका टैग। टैग भी बहुत जरूरी है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये कीवर्ड्स जो है ना, इस कीवर्ड्स को मुझे रैंकिंग में लाना है, या इसके अलावा इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं उसको रैंकिंग में लाना है, तो मैं इसको एज ए टैग यूज कर लूंगा। एज ए टैग यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ। हाँ, टैग के बीच में ये फासला इतना नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ये यूज करा। अब ये फार्मेसी मोबाइल ऐप, मैं इसको दूसरा टैग यूज कर लेता हूँ, ये हो गया फार्मेसी मोबाइल ऐप। ठीक है, अब रही बात जो मेन कीवर्ड्स है हमारा, ये फार्मेसी है या फिर मेडिकल स्टोर है। ठीक, तो मेडिकल स्टोर का भी मैं यूज कर लेता हूँ, मेडिकल स्टोर। और ये चीज मैं लागे लाके दिखाऊंगा कि हमारी वीडियो इस कीवर्ड्स के थ्रू भी आ जाएगा। अब ज्यादा ना यूज करें, दो तीन चार जो भी यूज करना है करें। जैसे यहाँ पे अब मैं मेडिसिन के नाम से भी कह रहा था और ये चीज में अभी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस है किसी वीडियो को पब्लिश करने से पहले का काम, इतना काम आपको जरूरी है, तभी जाके वीडियो रैंकिंग में आता है। इसके बाद आप सब टाइटल डालना चाहें वो आपकी इच्छा है, अगर आप डालते हैं तो नेशनल इंटरनेशनल वो बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है, इंग्लिश में डालना चाहें, अरबिक में डालना चाहें, किसी भी लैंग्वेज में आप डालना चाहें वो आपकी इच्छा है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ऐड टू स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। ऐड टू स्क्रीन पे क्लिक करके अपना जो भी वीडियोज है उस वीडियो के लास्ट में आपका स्क्रीन शॉट डालना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि ऐसी सूरत में अगर आप डालते हैं तो वहां पे आपका व्यू बहुत ज्यादा बढ़ता है, या फिर उसके थ्रू कोई नया सब्सक्राइबर आ जाता है, इससे बेनिफिट बहुत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया। यहाँ पे हमें एक प्लेलिस्ट ऐड करनी है, तो यहाँ पे हम प्लेलिस्ट ऐड कर लेते हैं। कोई सा भी ठीक है, ये मैंने लिस्ट ऐड कर ली, सब्सक्राइब बना लिया, इसको ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद ऐड कार्ड, ऐड कार्ड से क्या बेनिफिट है कि आपको कहीं वीडियो में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो जिसके वीडियो रिलेटेड वीडियो आपने पहले से डाल रखा है या जिसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी है, तो आप इस तरह के वीडियो भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने फार्मेसी के रिलेटेड में ऑलरेडी हमने कई वीडियो हमने बना रखे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि फार्मेसी के नाम से जब भी कोई सर्च करे तो वे बंदा ये दिख जाए कि किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फार्मेसी के नाम पे, ऑनलाइन फार्मेसी जो भी लिखेंगे वो चीज आपका शो करेगा। ठीक है, अपने वीडियो के अंदर शो करेगा। तो ये आप सेव कर दे। इसके बाद का जो प्रोसेस होता है इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आ गया भाई, ये कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर जेन्युइन वीडियो। और आपसे रिकमेंड यही है कि आप किसी की वीडियो या किसी के गाने या किसी के ऐसी चीजें आप ना लें। अगर आप कोई गाना वाना लेना चाहते हैं या फिर कुछ साउंड लगाना चाहते हैं तो यूट्यूब जो फ्री साउंड है वो ही लगा। उससे क्या होता है कि आपका वीडियो में कभी कोई क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं, अगर कोई क्लेम करता है तो वीडियो शट डाउन हो जाता है या फिर चैनल भी ब्लॉक हो जाते हैं। इसलिए आप अपना खुद के जेन्युइनिटी को यूज करें, क्योंकि यूट्यूब का कहना है ब्रॉडकास्ट योर सेल्फ, यानी आप अपने आप को प्रस्तुत करें, आप अपना जो कंटेंट है उसको दें, ना कि किसी के दूसरे के चोरी किए हुए कंटेंट को। इसका ख्याल बहुत जरूरी है, खास करके यूट्यूब में चैनल बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है पब्लिश का या अनलिस्ट का, तो ये आपकी इच्छा जो आप रखना चाह सकते हैं। या फिर कभी ऐसा होता है कि आपको किसी पार्टिकुलर टाइम में शेड्यूल मेंशन करना है तो आप शेड्यूल भी मेंशन कर सकते हैं, बट मुझे क्या है ये शेड्यूल मेंशन नहीं करना है अभी फिलहाल, तो ये जो है मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, जस्ट ये पब्लिश हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे अभी मैंने पब्लिश पे क्लिक कर दिया, ये पब्लिश हो गया। ये तो है आपका एक प्लेटफॉर्म जहां पे आपने अभी तक सिर्फ SEO का काम किया है यूट्यूब के अंदर, बट ये सिर्फ SEO काम से नहीं चलेगा, इसके बाद भी आपको प्रमोशन के कुछ ट्रिक्स अपनाने पड़ते हैं,
सबसे फर्स्ट ट्रिक तो ये है कि अगर 1000 से प्लस आपके सब्सक्राइब अगर है, फर्स्ट ट्रिक इसका ये है कि आप इसको अपने ही चैनल में पहले प्रमोट करें, यानी आपका जो चैनल है उसी चैनल में प्रमोट इसे कर सकते हैं। किस हिसाब से मैं वो आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने अभी इसके वीडियो को मैंने सर्च किया है, सर्च करने में जो आपके वीडियोस हैं, आपके जो सब्सक्राइबर हैं, आपके जो यूजर्स हैं, उनको आप इसको प्रमोट करना शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने इसको जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद ये मेरा अभी की चैनल ओपन किया हुआ है। ओपन करने का जिसमें आप सबसे पहला टैग आप खुद डालें, कमेंट्स जो है ना पहले खुद डालें, और उस कमेंट्स को आप सबसे पहले रखें। इससे क्या होता है कि लोग जब कमेंट्स भी देखते हैं ना, तो कमेंट्स देखे कोई डिस्क्रिप्शन देखे ना देखे, कमेंट्स देखने के टाइम अगर आपका वो व्हाट्सएप पे आ जाता है या फिर तो उसमें उनका इंगेज होता है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप अपने कमेंट्स को सबसे ऊपर रखें यहाँ पे पिनिंग, ठीक है। ये पिनअप कर दें, जब भी आप कोई कमेंट करेगा चाहे लाखों कमेंट्स हो जाए, बट आपकी ये जो चीज है ये जो पिनअप हो गया है यहाँ पे आप देखेंगे ये पिनअप हो चुका है, ये चीज हमेशा आपका सबसे ऊपर ही रहेगा, ठीक है। इस तरह का आप कोई भी कमेंट्स कर सकते हैं जो वीडियो से रिलेटेड में है। आप देखेंगे यहाँ पे हमने जितने भी कीवर्ड्स यूज किए हैं, अब YouTube का सर्चेज माना शुरू हो चुका है, देख सकते हैं आप। जब मैंने ये जैसे वीडियो ओपन किया है, YouTube का सर्चेज माना शुरू हो गया। जब ये क्रॉल करता है YouTube के जो पांडा है, हैमिंग बर्ड है, इस तरह YouTube के जो क्रॉलर है, ये तो क्रॉल जब करता है तो वो जब कीवर्ड्स मिल जाता है, तो जब उसके सर्चेज में जब आने वाले लोग होते हैं या जो सर्च कर रहे होते हैं, तो उनको ये सब चीजें मालूम हो जाती है कि इसको कहां से इसको उठाना है या कैसे देना है। फिर गूगल फिर गूगल के जो पांडा है हैमिंग बर्ड जो सर्च ला के देता है, तो वो जो है आपके वीडियोस पर रैंक मिलाता है, ठीक। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज आपको ये शेयर करना है ना, शेयर करने के टाइम ये अपने वीडियोस में कर सकते हैं, अपने ये इसको एज ए पोस्ट भी क्रिएट कर दें इसको, ठीक। ये आपका एज ए पोस्ट आ गया, आप यहाँ पे भी कोई कमेंट से कोई टैग या कोई चैनल का नाम ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो आपकी इच्छा है, जैसा चाहेंगे वैसा डाल सकते हैं। तो ये आपके अपनी वीडियो के अंदर दो प्रमोशन का मेथड हो गया। इसके अलावा वीडियो भी अगर आप प्रमोशन करना चाह रहे हैं, यानी आपके पास इस रिलेटेड जो मल्टीपल टाइप की वीडियोज है, वो भी चीज आप कर सकते हैं। उसके लिए जब आप वीडियो डाल रहे थे तो उसी टाइम वो करना पड़ता, ठीक है। बाकी इसके बाद जो प्रमोशन की चीजें हैं, तो वो चीजें अब हम करेंगे कि जो जो भी सोशल नेटवर्क है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, पिंटरेस्ट हो, तो जो भी सोशल नेटवर्क्स वगैरह है आप वहां पे इसको शेयर करें। हाँ, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करता है कि आप वहां पे शेयर करें। शेयर करते टाइम आप इतना जरूर रखें कि आपका जो मेन टाइटल है, मेन जो आपका टॉपिक था, वो चीज आप वहां पे जरूर शेयर करें। जैसे ये मेरा मेन टॉपिक था, ये चीजें जरूर शेयर करें। इससे क्या होता है कि जब भी कोई बंदा यूट्यूब में या फेसबुक यूट्यूब के अलावा किसी दूसरे में जाता है, वहां भी सर्च करता है, तो वहां भी आ जाता है। इस तरह के ग्रुप्स वगैरह में, मल्टीपल टाइप ग्रुप्स में शेयर करें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इतना शेयर कर दे कि वो एज ए स्पैमिंग में आ जाए, नहीं, इतना नहीं करना। एट ए टाइम आप जिस वक्त पब्लिश करें उसको, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 ग्रुप्स में या 10 से 15 जगह ही शेयर करें। उसके बाद कुछ घंटे के बाद या कुछ आवर्स के बाद या कुछ दिनों के बाद, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद, वो क्या करो उसको आप मल्टीपल जगह में आप उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी इसको किया, तो ये मैं कभी शेयर कर दूंगा पेजेस में, शेयर करूंगा जो अपना पेज है वहां पे भी मैं इसको शेयर करूंगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही मुझे करना है, इसको शेयर करना है। मैंने यहाँ पे पेज भी शेयर कर दिया। इसके बाद जो ग्रुप्स वगैरह है, ग्रुप्स वगैरह में जो सेम इसी टाइप से ग्रुप्स है, यानी जो वेबसाइट बनाने, मोबाइल ऐप बनाने के जो ग्रुप्स हैं, उसमें शेयर करें। ऐसा नहीं कि आप कोई जो अदर चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं वहां पे आप शेयर करते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होता, उसको एज ए स्पैमिंग माना जाता है। तो इसलिए जो आपके ग्रुप्स हैं, जो रिलेटेड ग्रुप्स हैं, वहीं पे शेयर करें। तो मैंने हमारे पास में बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट रिलेटेड है, यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे जहां भी शेयर करें, ये टाइटल जरूर डालें, या फिर कोई चेंजेस डालें, थोड़ा बहुत चेंजेस करके डालें, ताकि फेसबुक को भी ना लगे कि स्पैमिंग कर रहा है। कुछ थोड़ा बहुत आप चेंज कर लें, मल्टीपल जब प्रोडक्ट्स ये होते हैं तो उसको डाल लें। यहाँ पे जैसे अब ये नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि इसके अंदर ये ग्रुप जो है परमिशन नहीं दे रहा है कि उसके टाइम लाइन में शेयर किया जाए। कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो परमिशन नहीं देते हैं, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो परमिशन देते हैं। जिन ग्रुप में परमिशन देते हैं उन्हीं ग्रुप में आप शेयर करें इसको।
तो आपके ऊपर है कि आप इसको कहां से शेयर करते हैं, किस हिस्से से शेयर करते हैं, लेकिन इसमें कम से कम 10-12 शेयर करें। इससे क्या होता है कि विजिटर जो है ना बिल्कुल इंस्टेंटली आ जाता है और उस वीडियो का रैंकिंग भी बड़ा अच्छा हो जाता है। सेम इसी तरह का जो सोशल मीडिया आपका ईमो है, आपका इंस्टाग्राम वगैरह है, तो वहां पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक में, ट्विटर वगैरह में जाएंगे, ट्विटर वगैरह में भी यही चीज करेंगे। ट्विटर वगैरह में जो शेयर करने का जो ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी आपका मिलता है उसके हिसाब से आप उसको शेयर करेंगे, ठीक है। वहां पे भी आप अपना जो हेडिंग है, टाइटल है, वो छोड़िए मत, हर जगह आप उसको डालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका ऑटोमेटिकली हेडिंग आ गया, तो जस्ट उसको ट्वीट पर क्लिक कर देना। हाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है ट्विटर में, खास करके कि अगर ट्विटर में अगर थम भी डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप अगर थम भी डाल देते हैं तो बड़ा अच्छा रोल अदा करता है वो। यानी इसको कैसे, जैसे ये वाली वीडियो मैं इसको पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट करता हूँ, दिखाता हूँ जो वो कैसे अहम रोल अदा करता है। क्योंकि ये ट्विटर में ना ये ज्यादातर थम ही शो होता है, उसका यूट्यूब का वीडियो शो नहीं होता, इसलिए आप वहां पे थम अगर डाल देंगे तो वीडियो थम देख के लोग आ जाएंगे। कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, तो वही चीज है। आप जो चीज सामने लोग देखते हैं ना, जब वो देखते हैं कि उनको अच्छा लगा तो फिर जाके वो अंदर जाते हैं, तब होता है, ठीक है। ये आपको वीडियो इस तरह से दिखेगा, तो यहाँ पे आप अपना थम जो आपने बनाए हैं वो थम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वीडियो भी आएगा और साथ साथ आपका थम भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा तो वीडियो पहुंच जाएगा। इससे क्या होगा ना, जो अभी जो वीडियोस हैं, वीडियोस में क्लैरिटी रहेगा, और यूट्यूब के अंदर जो भी कस्टमर्स होते हैं, जो भी व्यूवर्स होते हैं, वो बड़े बाहर के होते हैं, हाई लेवल के होते हैं। देखें अब ये चीजें जैसे इस पर क्लिक करेगा वीडियो पहुंच जाएगा, इससे कस्टमर गैन करने का ही बहुत अच्छा मैथड है। सेम एज पिंटरेस्ट का भी है, तो पिंटरेस्ट में आपको यहाँ पे शेयर करना, बस इसमें पिनअप कर देना है। जैसे पिनअप करेंगे, पिनअप करते टाइम ही आपका जो भी आपका कार्डबोर्ड है उस कार्डबोर्ड के अकॉर्डिंग पिनअप करेंगे, पिनअप के अकॉर्डिंग जब भी कोई सर्च करता है तो सर्च के अकॉर्डिंग वो आ जाएगा, वीडियो आ जाया करेगा। जस्ट यहाँ पे पिनअप करना है, सेम इस तरह से था। तो अब सोशल नेटवर्क में कहने का मतलब ये है कि इतना वीडियो लॉन्ग हो गया है, कहने का मतलब सोशल नेटवर्क में जितना ज्यादा हो सकता है उसको फैलाने की कोशिश करें, लेकिन इतना भी नहीं कि इस पे एज ए स्पैमिंग में आ जाए, इतना करें कि वो आपके स्पैमिंग में शुमार ना हो। एक बार में 10-15 जगह ही शेयर करें तो ज्यादा बेटर है, ठीक। उसको धीरे 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 उसको मल्टीपल टाइप में उसको शेयर करें, लिंक्डइन वगैरह हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ईमेल वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन जो ज्यादातर चलते हैं आप उन्हीं को सिर्फ अपना लें, लेकिन मुसलसल करें। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, अगर आप मुसलसल करते हैं यानी डे बाय डे करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, तो इससे आपके चैनल की ग्रोथ होते हैं, ऑर्गेनिक सर्च भी होता है, और साथ साथ इसमें आपका जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक भी आता है, और सब्सक्राइबर भी नए नए बनते हैं। ये सारी चीजें आप इसमें करके रखें, करें तो ज्यादा बेटर है। इसके अलावा ब्लॉगिंग करना चाहें, ब्लॉगिंग की बहुत अच्छे रिजल्ट आता है, ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं आप। तो मैंने कहा जितना मुझे लेना था मैंने उतना ही लिया, बाकी आपकी इच्छा है, आप जो भी लेना चाह ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद का जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम फेसबुक, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आज के डेट में। तो आप इंस्टाग्राम मोबाइल से करें, क्योंकि यहाँ पे इंस्टाग्राम शो नहीं होता है। हाँ, अगर आपका फेसबुक है तो फेसबुक में आप वन टाइम इंस्टाग्राम प्लस फेसबुक दोनों जगह कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा दोनों जगह, ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है कि फेसबुक में रैंकिंग कैसे होगा, किस हिसाब से होगा, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है। लेकिन अगर आपको ये चीज जानना हो, देखना हो या फेसबुक में कैसे करेंगे, वहां पे आपको दो बेनिफिट ये रहेगा कि एट ए टाइम एक ही वीडियो फेसबुक के अंदर भी और इंस्टाग्राम के अंदर भी रैंकिंग करेंगे। जो रैंकिंग का प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे बताया कीवर्ड्स का, अगर आपने एक वीडियो पे मेहनत कर ली है अच्छे से डालकर, तो वो चीजें दूसरे इसमें इजीली हो जाएगा, इजीली पॉसिबिलिटी है। ये कैसे होगा, किस हिसाब से काम करेगा, जैसे कि मैंने अब ये वीडियो डाल दिया, अब यही वीडियो सेम यही वीडियो मुझे फेसबुक पेज पे भी डालना है और वहां पे भी हमें यही रैंकिंग लेना है जो रैंकिंग हमने यूट्यूब के लिए हमने किया है। इससे बेनिफिट ये होता है कि फेसबुक के कस्टमर्स, आपके जो फेसबुक जो सर्चेज हैं, रिजल्ट हैं, वो रिजल्ट भी आपको मिल जाया करता है और उससे बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ होने का चांस मिलता है, ठीक। तो आपको कैसे करना है, आपको फेसबुक में अगर कर रहे हैं फेसबुक पर इंस्टाग्राम के लिए, तो आप अपने पेज पे आएंगे, पेज पे आने के बाद आपको पहले क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक करना है, तो ये आपको अटैच करना पड़ेगा अपने फेसबुक का इंस्टाग्राम को, और आपको एज ए बिजनेस अकाउंट यूज करना पड़ेगा, तभी जाके आप दोनों चीजें एक साथ कर सकते हैं, वरना ये चीजें आप पॉसिबिलिटी नहीं, आप इस चीजें नहीं कर सकते, ठीक है।
जैसे इसमें आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट करने के बाद आप क्रिएट अ पोस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप मल्टीपल टाइप अगर वीडियोस डालते हैं या मल्टीपल टाइप अगर अपने वीडियो का ऑप्शन चूज करते हैं तो भी आप कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अभी मुझे एक नया पोस्ट बनाना है, तो जब आप एक जगह आपने डाल लिया तो उसको बार दूसरी जगह डालने में आसानी होती है, तो यहाँ से इस पेज पे हमारा इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे अभी वो बिजनेस अकाउंट इस तरह से दिखा नहीं रहा है। इसके लिए अलग अलग तरीके का दोनों तरह का इंस्टाग्राम अलग आ रहा है, फेसबुक अलग आ रहा है, तो इसमें इस वजह से आ रहा है क्योंकि इसके अंदर इंस्टाग्राम कनेक्टेड नहीं है लग रहा। तो जो मेरा इंस्टाग्राम कनेक्टेड है पेज, मैं वो ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ कैपिटल लेटर। अगर आपका कोई भी बिजनेस अकाउंट है, उस बिजनेस अकाउंट पे किसी भी पेज पे ये काम आप कर सकते हैं, चाहे अगर लाइव भी आना चाहेंगे एट ए टाइम, इंस्टाग्राम में या फेसबुक में दोनों एट ए टाइम आप लाइव भी आ सकते हैं। तो ये एक अलग प्रोसेस है फेसबुक का। यहाँ पे हमने ये अब जाना ये यूट्यूब पे जो किस तरह से ग्रोथ होता है, कैसे इसका काम करता है, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर जाना है। और सेम यही चीजें अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो मैंने चीजें मेथड जो अपनाई है, ये मेथड यूट्यूब में कैसे काम करा नहीं करा, वो रैंकिंग हुआ नहीं हुआ, जो हमने वीडियो डाला वो वीडियो रैंकिंग हुआ या हो पाया नहीं हो पाया, ये चीज भी मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा सेम ये जो मैंने कॉपी किया, इसके बाद यहाँ पे फोटो प्लस वीडियो सेट कर लेता हूँ। तो ये हमारा वीडियो है, यहाँ मैंने वीडियो सेलेक्ट किया, वीडियो ये अभी पब्लिश हो रहा है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, आप सारे डिस्क्रिप्शन वही डाल दें जो आपका फॉर्म नहीं करता, तो ये सारे सब कुछ आप यहाँ से कॉपी करके आप डाल सकते हैं। जस्ट यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आप कॉपी करें डिस्क्रिप्शन, और इसका टैग वगैरह जो है, टैग वगैरह भी आप इसमें वही चीज मैनेज कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं जो टैग आपने यूट्यूब के लिए मेंशन किया हो। यहाँ पे आप कीवर्ड्स टैग डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप जो यहाँ पे यूट्यूब के लिए आपने यूज किया हुआ है वही टैग आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। बस यहाँ पे जस्ट कॉपी करें, यहाँ पे आप पेस्ट करें और यहाँ पे आप सिलेक्ट करें, सेम इस तरह से इसको जस्ट कॉपी करें। इसमें आपको वन बाय वन करके करना पड़ेगा, ये दिक्कत है इसके अंदर। आप अगर एक साथ करेंगे तो एक साथ इसके अंदर नहीं आएगा, जैसे फेसबुक आ जाता है तो इसके अंदर नहीं आएगा, इसको आपको वन बाय वन करके ये करना पड़ेगा फेसबुक टैग के लिए। अगर जितने भी आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, जिस हिसाब से आप कर लेंगे, इसके बाद आपका थंब का मैटर आता है, आप यहाँ पे थंब चूज करेंगे, ये आ गया आपका थंब। इसके बाद ये कैप्शन वगैरह लगाना चाहेंगे, प्लेलिस्ट अगर लगाना चाह रहे हैं लगा सकते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे ये चीजें करके मैं इसको कर देता हूँ डन, और कुछ नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे अगर मल्टीपल टाइप अगर वीडियो अपलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, या कोई सब टाइटल है, सब टाइटल भी आप इसमें डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। सब टाइटल डालेंगे वीडियो के अंदर तो ज्यादा अच्छा होता है, वो रैंकिंग में भी बड़ा अच्छा अहम रोल अदा करता है, ठीक है। तो ये अभी हमारा 99% हो गया है। अब इसका जो कॉपीराइट इस वीडियो के अंदर है नहीं है, ये चेकअप हो रहा है, तो चेकअप हो रहा है, जब तक यहाँ पे चेकअप हो रहा है तब तक मैं जल्द चलता हूँ, देखता हूँ। सेम यही मेथड था इसका भी, आप इसको जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो आएगा प्लेलिस्ट आएगा, प्लेलिस्ट अगर किसी भी ध्यान रखना चाहते रख सकते हैं, तो मुझे आप किसी पे प्लेलिस्ट चूज करना, ये चूज कर लिया मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, जैसे तो मैं पब्लिश कर दिया। तो अपने हिसाब से आप प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, जैसे चाहेंगे जिसको फीड न्यूज में दिखाना वो दिखा सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम तक या किसी पर्टिकुलर डेट तक किसी भी कर सकते हैं। इसका ये वीडियो अभी पब्लिश हो जाएगा कुछ देर में। खैर, अब तक जो हमने मेहनत किया इसका अब नतीजा देखेंगे, क्योंकि तो हमने ये कहा था कि इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि वो वीडियो वो कीवर्ड्स हम रैंकिंग करके लाएंगे। देखें,
हमने अभी तक कुछ नहीं करा, वो जो मैंने सर्च किया था वही कीवर्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी है, बस जस्ट हमें इसे क्या करना है, रिफ्रेश करना है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आप अपने अपने ही चैनल में डाले हैं और अपना चैनल भी ओपन किया हुआ है तो आपके वीडियो हो सकता है टॉप पे आ गया है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो भाई मैं ये भी चीज आपको आपके डाउट भी क्लियर करके दिखाऊंगा ये चीजें कैसे होता है। देखिए, मैंने अभी वीडियो डाला है, सिर्फ 15 सेकंड हुआ है और ये मेरा वीडियो सबसे पहले है, टॉप पे है। क्यों? रीजन क्या है? रीजन इसका सबसे बड़ा मेथड जो रीजन है वो रीजन आपका एसईओ का है। तो मैंने अभी तक जो एसईओ किया है उसी का रिजल्ट है, उसी का समरा है। ठीक, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के एंड तक में मैं आपको कीवर्ड्स को किस हिसाब से लेके आना, वेबसाइट लेके आना, रैंकिंग पे, वो हम ला के दिखा देंगे आपके सामने, बिल्कुल रिजल्ट हाजिर है। तो ऐसे ही है, सेम एज इट इज, यही चीज जैसे कोई बंदा सर्च करता है मैं फार्मेसी वेबसाइट, आपको टॉप पे मिलेगा। आप ये कह सकते हैं कि आपके चैनल है तो चैनल की वजह से ये वीडियो टॉप पे आ रहा है। चले हम इसको इंटरनेट पर विंडोज में ले लेते हैं और वहां पे सर्च करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या है। जहाँ पे हम कुछ भी नहीं डालेंगे, ना अपने चैनल का नाम डालेंगे, ना ही किसी का मेल डालेंगे, कुछ नहीं डालना। यहाँ पे सिर्फ हम जस्ट एज ए यूजर के, जिस तरह यूजर होता है उस हिसाब से हमें इसको सर्च करना है। जैसे हम इसको सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पे रिजल्ट सामने आ जाएगा, सबसे टॉप पे है। सेम एज इट इज, इसी के अंदर जो बहुत सारे कीवर्ड्स इसके अंदर यूज किए गए हैं, अब कोई भी बंदा अगर इससे कीवर्ड्स को यूज करता है, देखता है, जिसमें ये जानकारी ले सकता है कि किन किन कीवर्ड्स में हमारा ये वीडियो टॉप 10 में आ गया है। एक आप अगर देखेंगे मैक वेबसाइट, मैक फार्मेसी वेबसाइट आ गया, यहाँ पे आप लिखेंगे मैक मेडिसिन मेडिसिन वेबसाइट, इस पे आ तो रहा है लेकिन ये मेरे दूसरे वीडियो है क्योंकि इसमें हमने मेडिसिन का वर्ड जो बहुत कम यूज करा हुआ, ये आ गया, ये देखिए यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा नीचे आया है। तो इस हिसाब से धीरे धीरे आते वीडियो के माध्यम नहीं होता है, वो थोड़ा टाइम लेता है। सेम इस तरह से ये आगे देख रहे हैं फार्मेसी वेबसाइट डेवलप वेब डेवलपमेंट। ठीक, आप इस कीवर्ड्स को सर्च करेंगे, कोई भी बंदा सर्च करता है, सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी बंदा सर्च करता है एज ए यूजर। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी ये भी आ गया, देखो टॉप पे आ गया। इसके अलावा ऑनलाइन मेडिकल, आप ये भी सर्च करें, देखें ये भी आपको मिल जाएगा। तो एक वीडियो को मैंने मल्टीपल कीवर्ड्स में विद इन 10 टू 15 मिनट्स के अंदर अंदर हमने ये जो है रैंकिंग में लाने की कोशिश किया है और ये हमने रैंकिंग में लिखा है। इस कीवर्ड्स के भी आया, थोड़ा सा नीचे आया है। ठीक है, तो ये धीरे 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 ऑन ओपन हो जाएगा, आ जाएगा। इसके अलावा जो हमने टैग यूज किया हुआ है ये मेडिसिन ऐप के नाम से, ये भी आ जाएगा। इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा टॉप पे वीडियो, एकदम सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, ये आ गया। तो इस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहेंगे, जिस हिसाब से चाहेंगे, अपने वीडियोस को रैंकिंग मिला सकते हैं और अपना ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं। और साथ साथ आपके जो सब्सक्राइबर हैं, अगर आप इस तरह की वीडियो सिर्फ 10 वीडियो डाल देंगे ना अपने चैनल में, तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा मेहनत डालते हैं तो वो वीडियो का रैंकिंग बहुत जबरदस्त होगा और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, सेम एज इट इज, यही चीज अगर आप और यूज करें, यहाँ पे जैसे मैंने कहा था मैक फार्मेसी वेबसाइट, ये तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया। यहाँ पे एक फार्मेसी मोबाइल ऐप, ये भी मैंने दिखा दिया। यहाँ पे मेडिकल स्टोर, ये चीजें ऑलरेडी देखे, सारे कीवर्ड्स पे रैंकिंग आ चुका है। तो बताइए, एक अभी 10-15 मिनट के अंदर अंदर देखे यहाँ पे भी आ चुका है। तो ये आपका मेडिकल स्टोर के नाम से, अब अगर मैं ये सर्च करता हूँ यहाँ पे जस्ट मेडिकल स्टोर, तो मेडिकल स्टोर में भी मेरा टॉप पे टॉप 10 में वीडियो आ रहा है, 100 फर्स्ट पे, ये दूसरा ये हमारा थर्ड पे, तीसरा हमारा फोर्थ फिफ्थ पे। तो इस तरह के मेडिकल स्टोर्स वगैरह कोई अगर सर्च करता है, कुछ करता है, तो इस तरह का आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये मैंने सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड किया है। तो वर्ल्ड वाइड कहीं भी सर्च करता है, किसी तरह से भी सर्च करता है, तो इसको हमारे सर्विस का रिजल्ट उनको मिलेगा। और इसी हिसाब से आपको, अगर आप एज ए बिजनेस मैन है तो आपको कस्टमर्स का भी गेन होगा। ठीक है, कस्टमर्स ही मिलेगा बाहर का। ये गूगल का जो सर्चेज है, सर्चेज बहुत अहम रोल अदा करता है। हाँ, और जो का व्यूज है, व्यूज जो जैसे मैंने बताया आपको, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप उसको वो चीज शेयर करें, अपने फ्रेंड से सर्कल बनाए, अपना अगर आप एज ए कंपनी है तो आप उसको इम्प्लॉय रखकर उसको मल्टीपल जगह में शेयर कराएं, उनको मल्टीपल ग्रुप्स वगैरह में भेजें, मल्टीपल लोगों तक भेजें, वन बाय वन भेजें, ये चीजें करें, तो इससे क्या होता है ना, बहुत जल्दी रिजल्ट आता है और लॉन्ग टाइम तक के लिए रिजल्ट आता है। बिजनेसमैन के लिए जो मेथड जो मैंने अभी बताया, तरीका बताया, बहुत अच्छा रोल अदा करता है। इन फ्यूचर उनका कस्टमर भी बढ़ता है और साथ साथ उनका व्यूज भी बढ़ता जाता है। तो इस ये चीज है,
आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहेंगे इस हिसाब से मैनेजेबल कर सकते हैं, सबको दिया सकती है। ठीक है, मिलते हैं फिर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।